वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अप्रैल 2020 कर्क राशि फल जानेंगे। कर्क राशि का कैसा रहेगा हाल 2020 अप्रैल में, इस मासिक राशिफल में दोस्तों हम जानेंगे स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि के बारे में, कि स्वास्थ्य शिक्षा, व्यापार, नौकरी इत्यादि के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि बताया गया है कि गोचर को चंद्र राशि के अनुसार देखना चाहिए। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से भी इसे देख व सुन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की, परिस्थितियों की, कैसे ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं और कैसा परिवर्तन कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों कर्क राशि का चंद्रमा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है तो चंद्रमा आपकी कर्क राशि में बैठा दिया, और केतु आपकी धनु राशि में, गुरु शनि मंगल ये तीनों की युति बना करके मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध मीन राशि में रहेगा 24 अप्रैल तक, उसके बाद में मेष में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेगा, उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, उच्चस्थ हो जाएगा। शुक्र का संचरण पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा और राहु का संचरण मिथुन राशि में रहेगा। तो आइए दोस्तों इन्हीं गोचर के अनुसार आइए बताते हैं आपको आपके स्वास्थ्य शिक्षा का हाल। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस राशिफल में दाम्पत्य और लव लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दाम्पत्य और लव लाइफ के बारे में लव राशि फल में हम बताते हैं आपको, जो कि चैनल पर पहले ही आपको प्राप्त करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक लव राशि फल नहीं देखा है, दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, वहां से आप लव राशि फल देख सकेंगे अप्रैल का। तो आइए बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात बताएं आपको स्वास्थ्य की, तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पिता, संतान, पत्नी इत्यादि का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उनका खूब ख्याल रखिए, आप उनकी थोड़ी मदद कीजिए। उनका स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो उनका ख्याल रखिए। शिक्षार्थी विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, आधुनिकता की ओर से दूरियां बनेंगी, आधुनिक जितने आप होंगे उससे कम होने लगेंगे, आपको जो जरूरत की चीजें हैं उनसे भी आप परहेज करने लगेंगे। शायद आपके साथ में ऐसा कुछ भी अचानक से हो जाए जिससे आप मोबाइल इत्यादि एवं जितने भी आधुनिकीकरण हैं, उपकरण हैं विज्ञान से संबंधी, उनसे आप दूरियां बना सकते हैं। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो इस महीने एडमिशन ले सकते हैं, और अगर कोई भी इंटरव्यू वगैरह या परीक्षा दे करके किसी हॉस्टल में या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें भी आप सफल हो पाएंगे। अगर इस महीने गर्भाधान करते हैं तो निश्चित ही संतान योग बन रहा है, संतान आपके हो सकती है, संतान योग के अच्छे यहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। धन की बात करें तो धन लाभ आपको काफ़ी होगा, भूमि भवन वाहन का आपको लाभ होगा, भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय का लाभ होगा आपको, और पिता व कुल का नाम उज्जवल करने वाले हैं आप, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, इस मास बहुत ही उत्तम आपका जाने वाला है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में तेजी से लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को थोड़ी परेशानी झेलने को मिल सकती है, थोड़ी परेशानी उठाने को पड़ सकती है। बड़ा व्यापार करने वाले उन्नति की ओर दौड़ेंगे और छोटे व्यापारी को लाभ ही लाभ होगा। देखा जाए तो व्यापार के मामले में काफी अच्छा है, बस परेशानी होगी तो जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन लोगों को हो सकती है। करियर और नौकरी की बात करें तो नए करियर की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ संकेत हैं, बेहद अच्छा समय है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी लक्ष्य चुन सकते हैं और निश्चित ही उसमें आप सफल हो पाएंगे। अगर आपने किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया है, सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, तो नौकरी पक्की समझिए, बहुत अधिक चांस हैं कि आपकी नौकरी सरकारी क्षेत्र में हो सके, क्योंकि कर्क राशि के जातक बहुत सारे होते हैं, करोड़ों लोगों की कर्क राशि है। तो जातकों आपको बता दें
कि नौकरी इत्यादि, प्रमोशन, ये सब जो चीज़ें हैं गोचर पर निर्भर होती हैं, लेकिन एक सीमित, इसका सीमित जो है वो प्रभाव है। तो कुंडली से निर्धारित होती है आपकी सरकारी नौकरी लगेगी अथवा नहीं। गोचर का प्रभाव निश्चित ही होता है, लेकिन आपको कुंडली की भी जाननी चाहिए, देखनी चाहिए। अगर उसमें है तो निश्चित ही मिलेगी। कोई प्रमोशन इत्यादि हो सकता है आपका, सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में हो। विदेश यात्रा हो सकती है, कहीं विदेशगामी दूर यात्रा कर सकते हैं आप, और बॉस आपके काम से बहुत ही खुश नजर आएंगे। आपको कोई गिफ्ट इत्यादि भी दे सकते हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता नजर आएगा आपको इस पूरे महीने में। तो देखा जाए दोस्तों, बेहद शुभ संकेत हैं आपके लिए पूरे अप्रैल महीने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो निश्चित ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।